तभी मैं सोच रहा हूँ कि निब्बा निब्बी लोगों का क्या होगा भाई, वो लोग तो घूम नहीं पाएंगे ना। हम सिंगल लॉन्डो का भाई बहुत ही मजा आता है ऐसे करके सुनने में। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, ये व्लॉग कल तक एक्सटेंड करेगा, इस व्लॉग का कोई भी एंडिंग नहीं है। तो दोनों का दोनों व्लॉग, आज का और कल का व्लॉग जो आने वाला है, दोनों का दोनों व्लॉग तुम लोग ध्यान से देखना, काफी मजा आने वाला है तुम लोगों को, और मजा देना ही मेरा काम है। Hey, what is up, दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो सुबह सुबह 6:30 बजे निकल चुका हूँ पढ़ाने के लिए, और पिछले दिन के बारे में मैं बताऊँगा, पिछले दिन का गाना के बारे में। तुम लोगों के मन में अगर क्वेरीज है ये गाना कैसे हुआ है कुछ नहीं, तो तुम लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। पहले तो देखो गाइस, मैं सिर्फ शर्ट पहन के निकला हूँ क्योंकि सर्दी अभी धीरे धीरे जा रही है, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे ही। तो पिछले दिन का गाना जो हुआ था, देखो 2-3 दिन से क्या है कि मेरा माइक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे पचर पचर साउंड कर रहा है। तो पिछले दिन का जो गाना है वो मैंने 2 बार शूट किया, इसके वजह से मैं चाहता था कि और कोई ना प्रॉब्लम आए। वो गाना जो है वो मैंने रात को पहले शूट किया, मतलब गाना रिकॉर्डिंग किया, मैंने सोचा कि वो गाना पहले अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, रिकॉर्डिंग कर लूँ, उसके बाद बैकग्राउंड में कोई एक वीडियो रिकॉर्डिंग में करूँगा, ठीक है, मतलब जो नेचर का वीडियोग्राफी है वो मैं करूँगा, देन शुरुआत में मैं कर दूँगा। मगर मैंने सोचा थोड़ा सा भाई लिपसिंग वगैरह कर लिया जाए, मेरे खुद के गाने में ही मैं लिपसिंग कर दिया उसके बाद। तो जब मैं आ रहा था तो नॉर्मली लिपसिंग किया, एंड देन उसी वक्त मैंने एडिटर में डाला उस गाने को, एंड देन ऊपर से वो लिपसिंग डाला, एक साथ मार्च किया। थोड़ा सा मेहनत लगा क्योंकि देखो गाना जो टोन में था उस टोन में मैं अगर लिपसिंग नहीं करता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता, और वही प्रॉब्लम हुआ था ओबियसली, क्योंकि रात को मैं जिस तरीके से गाया था, सुबह जो लिपसिंग मैंने किया तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया टोन में, तो मैंने थोड़ा सा एडिटिंग में वो ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसीलिए तुम लोगों को वो जो गाना है वो ज़ोर से सुनाई दे रहा था, क्योंकि देखो सुबह में अगर वो टोन से अगर मैं चिल्ला के गाता उतना सुबह 6:30 बजे तो प्रॉब्लम हो जाता, सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो उठ जाता और मुझे पीटने के लिए आता। तो थोड़ा सा ऐसे देखते हुए वो गाने को मैंने किया, और उस गाने को लेकर मुझे थोड़ा सा और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना है इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम में वो गाना मैं नॉर्मली लिपसिंग के नहीं, मेरे पास और एक वीडियोग्राफी का इमेज है, सॉरी इमेज नहीं, वीडियोग्राफी का वीडियो है, हाँ वो पहले तुम लोग देख चुके होगे शायद, जो लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो मुझे वो लोग शायद वो वीडियोग्राफी देख चुके होगे। इसी वीडियो के बैकग्राउंड में मैं वो गाना डाल दूँगा एडिटिंग में। वो जो गाना है वो गाना मैंने पिछले दिन रात को 11 बजे शूट किया, क्योंकि सारे के सारे पूरा स्टॉप हो जाए उसके बाद ही शूट करना है। 11 बजे शूट किया, वो भी बाथरूम में, तभी जाके वो वोकल जो है वो ऐसे इक्विस्ट टाइप का आया। रात को ही मैंने वीडियो जो है वो एडिट कर दिया था, करके ही सोया था, उसके बाद थंबनेल रेडी किया, उसके बाद वीडियो एडिट किया, एंड देन आज सुबह 6 बजे नींद खुला तो तुरंत बाद मैंने वीडियो को डाल दिया, शेड्यूल पर रख दिया, और ज़्यादा देर नहीं लगा कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही वीडियो अपलोड हो गया। यहाँ पे जियो का जो नेट है ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो सुबह सुबह फास्ट रहता है, तो अच्छे से अपलोडिंग हो गया था। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ घर में, जाके थोड़ा सा पावर नैप लूँगा, उसके बाद अच्छे से 10:30 बजे उठूँगा, उठ के नहा के उसके बाद निकलूँगा पढ़ाने के लिए। आज के दिन काफ़ी मतलब क्लाउडी है, यहाँ पे बादल छाए हुए आकाश में, और न्यूज़ में भी बोल रहा है कि आज बारिश आने वाला है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार बारिश गिर रहा है, बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रहा है। तो मैं अभी फ्रंट कैमरा कैसे ओपन करूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि फ्रंट कैमरा ओपन करने से थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है हाथ, और नहीं तो भाई अगर मैं हाथ स्ट्रेच करूँ तो भाई कैमरा मतलब मोबाइल फ़ोन ऑब्वियसली भीग जाएंगे। और गाइस सबसे बढ़िया बात है कि कल वसंत पंचमी है, यानी कि बंगालीज का वैलेंटाइन डेज है, यानी मतलब सरस्वती पूजा है, और कल भी अगर ऐसे बारिश रहे ना
गया काम से, सारे निब्बा निब्बी लोगों का भाई क्या होगा, वो तो स्कूल या कॉलेज पे तो जा नहीं सकते, वही देखना है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। हम सिंगल लॉन्डो का बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, एक मिनट तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, पता नहीं कितना कैमरा में कैप्चर होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा जो आसमान है वो पूरा घने बादल पे छा चुका है, और अभी बजे है सिर्फ और सिर्फ 10:30। लग रहा है कि शाम का वक्त हो गया है और बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही हवा भी चल रहा है। तुम लोग को कितना पता चल रहा है मुझे भी नहीं मालूम, फ़ोन बहुत ही ज़्यादा करीब लेकर मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो हवा में पूरा का पूरा तुम लोग सुन ही सकते हो, हवा का दबाव सुन सकते हो, और मैं लिटरली उस हवा की वजह से जो बारिश है वो मेरे शरीर पे भी लग रहा है। और मैं अगर चाहता तो गाइस ये पढ़ाना जो है वो छुट्टी ले सकता था, मगर क्या है कि अगर मैं छुट्टी लूँ तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है चीटिंग करने का, और सिर्फ चीटिंग नहीं मतलब उन लोगों का मोरल डाउन हो जाता है कि अगर सर भी छुट्टी करे तो हम भी पढ़ाई वगैरह नहीं करेंगे, तो ये बड़ा एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। अगर वो लोग छुट्टी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर टीचर लोग मतलब बड़े से देख के छोटे सीखते हैं ना, तो ऐसे वाला ही मामला है। और मैं अभी फ्रंट कैमरा ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फ्रंट कैमरा ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा शक्ल नहीं दिखेगा तुम लोगों को, पूरा अंधेरा है और लोग बहुत ही ज़्यादा अंधेरा छा चुका है यहाँ पे। लग रहा है कि लिटरली शाम के वक्त हो गया है, 10:30 बजे हुए हैं, यू डोंट बिलीव दिस, 10:30 बजे हुए हैं और यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा अंधेरा है, लगता है कि 5:30 या 6 बज चुके हैं शाम का, ये लग रहा है। भाई साहब कितना घने बादल छा चुका है यहाँ पे, तुम लोग अगर पता नहीं तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मगर कुछ ऐसा ही हाल है इधर कि पैर में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लग चुका है यहाँ पे, अभी क्या ही करो, पूरा रास्ता भी खाली हो चुका है यहाँ पे बारिश की वजह से। और मेरा और एक छोटा सा एक प्लान था, पता नहीं अगर बारिश ना गिरे तभी वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वरना भाई नहीं होगा। प्लान जो था एक्चुअल में हवा के वैसे बाल को देखो मत, बाल के बखड़ा बन चुका है। प्लान जो था गाइस ये मैं बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्लैश ऑन करके, ऑब्वियसली वरना पूरा हालत ख़राब हो जाएगा। तो प्लान जो था सरस्वती जो पूजा होती है देवी माँ की मूर्ति मुझे लानी थी घर के लिए, तो मेरा प्लान था कि ट्यूशन के बाद मैं जाऊँगा माँ की मूर्ति लाने के लिए, मगर भाई गया काम से, बारिश के वजह से जितने भी दुकान है वो भी बंद हो चुका है शायद, और मुझे अभी शाम को ही वो लाना पड़ेगा, शाम को जब मैं जाऊंगा पढ़ने के लिए तब मुझे जाना पड़ेगा उस वक्त। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ थोड़ा सा ब्रिज के नीचे, ऑल दो अभी भी बारिश गिर रहा है, तुम लोग ज़रा देखो यहाँ पे बारिश कितना ज़्यादा भयंकर लेवल का गिर रहा है यहाँ पे, और मैं अभी ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ यहाँ भाई, भयंकर लेवल का सच में गाइस बारिश हो रहा है यहाँ पे। तो अब नहीं व्लॉग अभी एंड नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लौटने के वक्त भी व्लॉग करूँगा। चलो भाई टाइम तो हो गया, अभी थोड़ा सा जाएंगे पढ़ाएंगे देन तब देखेंगे व्लॉग करेंगे। मैं पूरा का पूरा मतलब यहाँ इस साइड से मैं अपना राइट साइड से पूरा का पूरा भीग चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि देखो नॉर्मल अगर सीधा बारिश हो तो प्रॉब्लम नहीं है, ये बारिश हो रहा है भयंकर लेवल का, के साथ साथ हवा भी चल रहा है, बारिश के साथ साथ हवा भी चल रहा है, तो इसकी वजह से बारिश ऐसे 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 गिर रहा है। तो मेरा जो राइट साइड है वो ज़्यादा भीग चुका है और पैन तो मतलब नीचे से भीग चुका है, ऑल दो मैं फोल्ड करके ही आया था ताकि कीचड़ ना लगे, समझ सकते हो, क्योंकि ये पैन में अगर घर जाके मैं धो डालता हूँ तो क्या वो तो सूखने आज नहीं वाला है, क्योंकि कल भी शायद बारिश होगा होने वाला है, ये तो मतलब न्यूज़ में बोल रहा था कि आज बारिश होगा, न्यूज़ में मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मगर पहली बार हुआ है कि न्यूज़ का बातें सच्ची हो रहा है, तो आज बारिश होने के लिए उन लोगों ने बोला है कि आज बारिश होगा तो हो रहा है, उन लोगों ने ये भी बोला है कि कल भी बारिश होगा, तभी मैं सोच रहा हूँ कि निब्बा निब्बी लोगों का क्या होगा भाई, वो लोग तो घूम नहीं पाएंगे ना। हम सिंगल लॉन्डो का भाई बहुत ही मज़ा आता है ऐसे करके सुनने में, ठीक है चलो देखते हैं। और भाई मेरा भी एक प्लान था कि स्कूल जाने वाला था मैं, मतलब स्कूल जाके थोड़ा सा व्लॉगिंग करने वाला था, देखते हैं अगर बारिश ना हो तो मैं स्कूल जाऊंगा, और अगर हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है स्कूल जाने का, मेरे लिए अच्छा है, मगर तुम लोगों को वादा किया था कि तुम लोगों के सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए मैं दोबारा से स्कूल जाने वाला हूँ,
मगर तो भाई मैं जाने नहीं वाला था। खैर चलो थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह कर लेते, मतलब सॉरी मैं क्यों पढ़ाई करूँगा, स्टूडेंट लोगों को पढ़ाई वगैरह करवा लेते हैं, उसके बाद आके ब्लॉगिंग करते हैं। हम बाज़ार के अंदर आ चुके हैं यहाँ पे मूर्ति ख़रीदने के लिए। देखते हैं गाइस यहाँ पे कौन सा मूर्ति अच्छा लगता है। तो बारिश भी गिर रहा है तो देखते हैं कि कौन सा मूर्ति ख़रीदना चाहते हैं हम। मूर्ति तो यहाँ पे रखा है, मगर यहाँ पे देखो गाइस मतलब इतना छोटा जगह पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुका है यहाँ पे। खैर हम देखते थे छोटा सा एक मूर्ति अगर मिल जाते हैं। एज पर यू सी गाइस कि कितना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मूर्ति रखा हुआ है और भीड़ भी काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बार्गेनिंग भी करना पड़ता है यहाँ पे। तो चलो फर्स्ट टाइम है कि मुझे बार्गेनिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता है, ऑल्दो मूर्ति का दाम काफ़ी ज़्यादा है। अब मुझे वही देखना है कि कौन सा वाला मूर्ति मुझे लेना है।